हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम एनिमेटेड वीडियो को बना सकते हैं, वह भी बिल्कुल फ्री। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम एनिमेटेड वीडियो को बना सकते हैं, वह भी बिल्कुल फ्री। हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि हमने एक एनिमेटेड वीडियो को क्रिएट किया है, वो भी बिल्कुल फ्री में। इस तरह की वीडियो आप शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हैं, रील्स भी बना सकते हैं, यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए और फेसबुक के लिए, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक वॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड करनी होगी। इसके लिए आपको यहाँ पर एक 11 ऐप, ठीक है, 11 ऐप करते हैं यहाँ पर। आपको ये बीटा का है, बीटा 11 ऐप labs.io आपको लिखना होगा। एक इस तरह का आपके सामने इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपकी जो भी कोई ऑडियो है उसको आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑडियो को लिया था, ठीक है। इस ऑडियो को लेने के बाद आप यहाँ से जो वॉइस है, बॉयज की चाहिए या जेंट्स की चाहिए, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर गर्ल्स की वॉइस ली है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेंगे जो हमारी वॉइस है। आपने देखा इस वॉइस को हमने डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद हमें जाना है यहाँ पर एडोब के, एडोब का यहाँ पर लिखना है एनिमेटेड यूट्यूब फ्री ऑनलाइन, ठीक है। जब आप इस पर जाएंगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा मेक एनिमेशन फॉर यूट्यूब फॉर फ्री। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन होके आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर मेक एनिमेशन फॉर यूट्यूब पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि करैक्टर, यहाँ पर देखिए करैक्टर में अगर हम ऑल करते हैं सभी करैक्टर आएंगे। अगर हम यहाँ पर न्यू क्लिक करते हैं, ये देखिए इनमें से जो भी आपको करैक्टर चाहिए वो करैक्टर हम यहाँ पर ले सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के हैं। बैकग्राउंड, अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं, ये आपको बैकग्राउंड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको ये बैकग्राउंड, ठीक है। अगर हम अपना बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो जैसे कि हमने यहाँ पर इसको सर्च कर लिया गूगल में, कोई भी एक बैकग्राउंड, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर गार्डन का एक बैकग्राउंड को सर्च कर लिया। कोई भी आप बैकग्राउंड यहाँ से ले सकते हैं, इमेजेस पे से जो भी आपको पसंद आ रहा है वो बैकग्राउंड को आपको पहले सेव करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई सा भी आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको सेव इमेज करना है, अपने किसी भी फोल्डर में सेव कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पर डाउनलोड के फोल्डर में इसको सेव कर लिया है, ठीक है। किसी भी नाम से, जैसे मैंने ए यहाँ पर V1 के नाम से इसको सेव कर लिया डाउनलोड के फोल्डर में। अब हमें जो हमारा ये था, यहाँ पर हम अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, जो हमारा बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए जो हमारी पसंद का बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड यहाँ पर शो होने लग गया है। ये हो गया बैकग्राउंड, ठीक है। अब करैक्टर की हम बात कर रहे थे, ये न्यू में इस टाइप के करैक्टर है। अगर हम ह्यूमन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ह्यूमन्स के जो करैक्टर्स हैं यहाँ पर, लेडीज और जेंट्स यानी बॉयज एंड दोनों ही यहाँ पर शो हो रहा है। कोई भी करैक्टर हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और भी तरीके आप करैक्टर्स यहाँ से लेना चाहते हो तो ये देखिए आपको मिल जाएंगे डिफरेंट टाइप्स के। ये देखिए फ्रूट्स भी, अगर आप इमोजी से बुलवाना चाहते हो इमोजीज भी यहाँ पर हैं। ये देखिए इमोजीज भी हैं, इससे भी हम थोड़ा सा कुछ करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ले लिया है, कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि इससे बुलवाएं, ठीक है, तो हम ये वाली इमेज ले लेंगे। अब इसी इमेज को अपना माउस की हेल्प से थोड़ा सा सेट भी कर सकते हो कि इमेज आपको कैसी चाहिए, छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, ठीक है। जिस भी हिसाब से चाहिए आप इसको यहाँ पर सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ये सेट कर दिया है। ये हो गया हमारा इमेज का करैक्टर हो गया, बैकग्राउंड्स हो गया। अब हम साइज पर आते हैं। साइज में देखिए यहाँ पर इंस्टाग्राम के लिए अगर आपको साइज चाहिए तो ये इंस्टाग्राम के साइज हो गया। आपको रील्स के लिए चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, पोर्ट्रेट के लिए चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, कोई साइज यहाँ पर सेट हो जाएगा। अगर आप फेसबुक के लिए बनाना चाहते हैं तो फेसबुक के लिए यहाँ पर देखिए जिसके साइज है ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जिसके लिए भी आप बनाना चाहते हैं उसी के हिसाब से हम यहाँ पर देखिए डिफरेंट तरह के यहाँ पर दिए हुए हैं, किसी भी टाइप का आप यहाँ पर साइज सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यूट्यूब के लिए सेट किया है, यहाँ पर 16:9 का रेशो है, ठीक है। ये हो गया हमारा साइज, साइज हो गया, बैकग्राउंड हो गया, करैक्टर हो गया।
अब जो ऑडियो है, ऑडियो को आप यहाँ से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सेव करके रख रखी है, अभी आपको सिखाया था, तो हम यहीं से ऑडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। वो ऑडियो हमारी डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड होने के साथ साथ ही प्रोसेसिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके बाद क्या होगा, जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी 100%, और इसके बाद आप देखेंगे कि जो वीडियो है इसमें इसको आप बोलते हुए दिखाई देंगे देगा। इस तरीके से हम आपने देखा बिल्कुल सिंपल तरीके से फ्री में हम एनिमेटेड वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके छोटे छोटे से क्लिप्स बना के आप उन क्लिप्स को मर्ज करके एक एनिमेटेड वीडियो इजीली बना सकते हैं एडोब एनिमेशन टूल्स का यूज करके। ये देखिए बन गए, अभी देखिए हमने यहाँ पर इसको। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम एनिमेटेड वीडियो को बना सकते हैं, वह भी बिल्कुल फ्री। ये देखा आपने कितने सिंपल तरीके से हमने ये वीडियोस बनाई है, ठीक है। इस तरीके से हम जो एनिमेशंस का ये टूल्स है यहाँ पर यूट्यूब फॉर फ्री लिखा है, मेक एनिमेशन फॉर यूट्यूब फॉर फ्री, इसकी हेल्प से हम एनिमेटेड वीडियो को बना सकते हैं। आप जो लॉन्ग वीडियोज बनाते हैं उसमें भी इसकी छोटी छोटी क्लिप्स को हम इजीली लगा सकते हैं।